फ्रेंड्स, तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो ने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भोगीलाल को जेठालाल के बारे में पता लग जाएगा। यहाँ पर यह चीज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन बागा ने यहाँ पर आकर फारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। यहाँ पर 2 मिनट में भोगीलाल पैसे देने ही वाला था, तभी बागा ने आकर फारा प्लान बिगाड़ दिया और अब यहाँ पर जेठालाल की जमीन और पैसे दोनों जाने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों ये चीज किसी ने भी नहीं पूछी थी, सभी ये सोच रहे थे कि भोगीलाल पेमेंट कर देगा जमीन की और उसके बाद भोगीलाल का बैंड सब मिलकर बजाने वाले हैं और यहाँ पर भोगीलाल का हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भोगीलाल कोई छोटा मोटा विलन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों शो के रिसेंट प्रोमो में भी दिखाया जाता है कि भोगीलाल किस तरह से सबकी नफरों के सामने से सबको चूना लगाकर वहाँ से निकलता है और ज्यादा टाइम वो पुलिस को भी फोन लगा देता है कि गोकुलधाम सोसाइटी के लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। और यहाँ पर भोगीलाल जेठालाल के ऊपर मारपीट का आरोप भी लगाना चाहता है, उसकी जमीन भी लेना चाहता है और उसकी पेमेंट भी नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों आगे चलकर स्टोरी में भोगीलाल की स्टोरी का एंड तो हो गई। यहाँ पर दोस्तों जेठालाल ने प्लान बी अपने पास रखा हुआ था और उसके घर में ऑलरेडी उसने कैमरा वगैरह फिट कर दिए थे। तो अब यहाँ पर दोस्तों कैमरा के प्रूफ वगैरह दिखाकर जेठालाल भोगीलाल के खिलाफ आगे की कार्यवाही करने वाला है और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी आगे स्टोरी में क्या होता है और भोगीलाल से जेठालाल अपने पैसे कैसे लेता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या जेठालाल यहाँ पर भोगीलाल से पैसे लेने में कामयाब हो जाएगा या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा। एंड फॉर न्यू अपडेट ऑन तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन।